सुन के शास्त्र आ सकता है, उसको बार बार करने से उपज कहां से आएगी? कहां से निकल रहा है सुर? सा यहां से, रे यहां से, ग पीछे से, मध्यम यहां पे, पंचम यहां पे, धैवत यहां पे, निषाद यहां पे। तो ये सब चीज जो है उसकी एक आत्मिक जगह बनी हुई है। मैं संजय पथकी, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष एक बार हाजिर हो रहा हूँ। कितना ऊंचा रे से प है, कितना ऊंचा प से ग है, कितना नीचा प से ग है, कितना ऊंचा प से ग है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब दिमाग में चलना चाहिए तो उसके साथ में वो जो मैपिंग हो रहा है उसके साथ में आपका ब्रेन भी वहाँ जाना चाहिए। और इसीलिए तो क्लासिकल म्यूजिक वाले बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर लंबी छलांग मारना है तो शेर भी दो पांव पीछे आता है। अगर लंबा भाला फेंकना है तो उसको मोमेंटम लेना ही पड़ता है, या गोला फेंक करना है उसको मोमेंटम। मोमेंटम ये जो चीज़ होती है म्यूज़िक में बड़ी ज़रूरी होती है। आप बिल्कुल सीधा बैठ के गाओगे, गाते भी है, इतना भी बुरा बदन नहीं हिलना चाहिए कि ताकि सामने वाले को हंसी आ जाए, लेकिन जितना वास्तविकता में ज़रूरत है उतना बदन हिले तो उसमें कोई गैर नहीं है। क्यों कि आप रास्ते से चलते हो तो नेचर ने भी आपको लेफ्ट राइट का एक जो बैलेंस दिया है, आप मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि बैलेंस को बंद करके आप चल के देखिए, या फिर रॉन्ग बैलेंस करके देखिए, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट। तो आप चल के देखिए हर चीज़ का। मैं कुछ बोलता हूँ इसका मतलब मैं जो प्रैक्टिकली उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूं तो सच्ची में ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, तो ऐसा होता है क्या, और ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। जब तक आप रिसर्चर नहीं बनोगे हर चीज के पीछे क्यों, ये जब तक नहीं रखोगे दिमाग में तो बात आपकी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं बार बार इतना सब बोलने का कारण यही है कि मैं भी YouTube पे ऊपर देखता हूँ कि बहुत से चैनल है आपको शास्त्रीय संगीत सिखाने के बड़े उत्सुक है, वहाँ पे वो सिखाते भी है, अच्छे सिखा रहे हैं, लेकिन उसकी उपज क्या है ये आपको शायद मालूम नहीं पड़ती। तो आप सुन के जैसा भी आपको लगता है, और यही तो चीज़ होती है ना, सुन के शास्त्र आ सकता है, उसको बार बार करने से उपज कहाँ से आएगी, कहाँ से निकल रहा है सुर? सा यहाँ से, रे यहाँ से, ग पीछे से, मध्यम यहाँ पे, पंचम यहाँ पे, धैवत यहाँ पे, निषाद यहाँ पे। तो ये सब चीज़ जो है उसकी एक आत्मिक जगह बनी हुई है, और हर इंसान के जिस ब्रेन के हिसाब से, सोच के हिसाब से, उसके एडजस्टमेंट के हिसाब से उसने अपने अपने सुरों को कहाँ स्थित रखा है वो उसका अपना निजी पार्ट रहता है। लेकिन जनरल चीज कॉमन रहती है, जैसे कि कुछ रागों के नॉर्मल फ्रेजेस रहती है वो हर लोग गाते हैं, किसी भी घराने के, किसी भी खानदान के। लेकिन वो नॉर्मल कॉमन फ्रेजेस छोड़ने के बाद में जो कुछ आपने सीखा है वो तरीके उसको आजमाते हैं। तो आलापी के तीन प्रकार रहते हैं, एक लिखी हुई गाना, एक ब्रेन में जो सीखे वो तैयार करके गाना, और तीसरी फीलिंग के साथ निकलना। तो नेचर में यही चीज़ होती है कि चित्रकार के भी तीन प्रकार जैसे होते हैं, वही आलापी है, वही म्यूजिक है, वही कला है, वही संगीत है, वही जीवन है। चित्र के ऊपर चित्र, स्ट्रेस पेपर रख के चित्र उतारने वाले, यानी किताब में जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही रट्टा मारने वाले, तो वो स्ट्रेस करके चित्र उतारते हैं। दूसरा देख करके चित्र उतारते हैं, सामने कुछ तो भी रखा रहता है एक ऑब्जेक्ट, उसको देखते और चित्र उतारते। तो वो भी हो गया कि किसी को सुन के, यानी कैसेट सुन के, किसी के राशिद भाई की नकल, मिशन जी की नकल, या आमिर खान साहब की नकल, या बड़े गुलाबी खान साहब की नकल, ऐसे नकल करना भी चाहिए, लेकिन कितनी, कब तक? उनके आवाज़ की नकल मत करो, उनके स्टाइल का नकल जो होता है उसके कुछ उठाओ और अपना स्टाइल बनाओ, अपना स्टाइल बनाते। देखो तुम लाइट म्यूजिक गाओगे, किशोरदा का गाना गाओगे, रफी का गाओगे, मुकेश का गाओगे, तो
लोग पहचान लेंगे आपकी आवाज से, आप इतना तो 50% तो आप उसको मैच करते हो, कर सकते हो। एक किशोरदा का गाना है आपने गाया, वो वैसा गाया, और फिर बाद में वो कंपेयर करते कि नहीं वैसा नहीं गाया, ऐसा नहीं गाया, चलो ठीक है वो बात है, लेकिन आपके गाने के बाद में वो गाना किसका है ये लोग पहचानते हैं। क्लासिकल में आप अगर इकट्ठा सारे ग म सारे म ग स ग रे म स ग म रे स म रे ग स म ग रे, अब ये किसका स्टाइल है उन्हें मालूम नहीं है, या आपका खुद का स्टाइल होता है सारे ग म सारे म ग सारे म ग सारे ग म सारे स म ग रे सारे, ये आपका स्टाइल है, आपने जब चाहे उसको जोड़ कर दिया, जब चाहे उसको खुला छोड़ दिया, तो आपका खुद का एक अस्तित्व बन रहा है ना उसमें, सारे मा पा दा मा दा दा रे नी दा मा दा मा पा गा पा रे मा गा रे दा रे दा नी दा पा दा दा रे गा सारे मा गा सारे मा पा दा नी दा पा मा पा मा दा पा मा गा गा रे मा पा दा रे दा नी दा पा मा गा दा मा गा दा दा नी दा पा दा 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 रे गा मा गा सारे मा पा दा मा पा मा गा रे मा गा रे दा 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 ना ना दे, चल रहा है आपकी खुद की पहचान बन रही, क्योंकि वो किसी के नकल नहीं है। और एक बात तो ये जरूरी है कि 3 मिनट का गाना तुम 3 मिनट ही गा रहे हो तो तुम्हारा क्या है, तुम तो इमिटेट कर दिए उसको, वो अपने लिए ठीक है कि गाना बोलना है अपनी चीज दिल को अच्छा लगता है, लोगों के सामने जब तुम कुछ पेश कर रहे हो तो तुम अपना पेश करना चाहिए। किसी के दुकान में काम करने वाला भी बोलता है कि हाँ मेरा दुकान है, तो उसकी गलत धारणा है, मेरा समझता है पर मेरा होता नहीं है, तो अपना तो ये मेरा गाना है, कब बोलोगे किशोर दा का गाना जो गाओ तो मेरा गाना नहीं बोलोगे, मैं उनका गाना गा रहा हूँ। लोग बोलते ना कि ये मेरे पिताजी ये मेरे साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये पिताजी है मैं इनके साथ में रहता हूँ, तो यही भावना होती है कि आप उसको कैसे देखते हो, संगीत को भी अपने संगीत को क्लासिकल म्यूजिक को, भले ही तुम उसका प्रयोग लाइफ में करो, लोग चाहे तुमको बोले कि यार तो अपने दिमाग में डालते हैं, बहुत से क्लासिकल वाले ऐसे होते हैं सीखने के बाद में वो जब लाइट गाना गाते हैं तो उसमें नहीं नहीं जहाँ नहीं चाहिए उस जगह वो अपनी कलाकारी का प्रयोग करते हैं, करना चाहिए लेकिन कहाँ लगाना चाहिए, पैंट को चेन ठीक है, शर्ट को कहाँ चेन लगा रहे हो ऊपर यहाँ पे, तो हर एक चीज का क्या उपयोग है और कहाँ पे उपयोग है, कैसा उपयोग है, ये करने की बुद्धिमत्ता आपको चाहिए।